नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शान। मुरादाबाद में मंडी समिति कैंपस में उस वक्त हंगामा हो गया जब ईवीएम की सुरक्षा पर निगाहें रखे हुए सपा वॉलंटियर्स ने नगर पालिका की एक गाड़ी को पकड़ लिया। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में गद्दे के नीचे एक संदूक में तलाशी लेने पर उसमें से 1459 बैलेट पेपर मिले हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि गाड़ी को तहसीलदार बिलारी चुपचाप अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हंगामा इतना बड़ा हो गया कि मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी जा पहुंचे। इस पूरे प्रकरण पर अभी तक प्रशासन का पक्ष नहीं मिला है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर शारिफ खान और शांतनु की एक विशेष रिपोर्ट। सब लोग हम जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से ही मतपेटियों को रखाने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं अंदर, रात को सो भी रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं और बाहर भी टेंट लगा रखा है। वहाँ पे भी सब लोग हम बाहर बैठे हुए थे। अंदर एक ये नगर पालिका बिलारी की छोटा हाथी टाइप का है, उस पर नगर पालिका बिलारी लिख रहा है। वो गाड़ी आई और गाड़ी में एक बड़ा बॉक्स था, संदूक, और तीन मतपेटियाँ थी उसमें, और उस बॉक्स के अंदर बैलेट पेपर थे 1497 के आसपास कुछ है, और उसमें जो स्टैम्प जिससे वोट होता है वो भी था, सील करने का सामान था, मतलब पूरा सिस्टम के साथ वो जो तहसीलदार हैं बिलारी और कानून वो हैं दोनों लेके आए वो। और यहाँ हमारे जो रात दिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने पहले तो मेन गेट पर रोका, तो मेन गेट से तो वो उन्होंने कार्ड उड़ दिखाया, वो अंदर आ गए। फिर अंदर आने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने रोका, तो फिर वो मेन अंदर जिस उसमें मतपेटियाँ रखी हुई हैं उसमें जाने के लिए तहसीलदार बदतमीजी करने लगा, तो उन्होंने हमारे जो यहाँ एजेंट हैं वो सूचना दी, तो हम ही सभी लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक और जो हमारे परिवारी हैं सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए और सबने अपने सामने पूरा चेक कराया। वो इनकी मनसा खराब थी, मनसा खराब की वजह से ये यहाँ लेके आए तहसीलदार। तो डीएम साहब और जो हमारे ऑब्जर्वर हैं एसएसपी साहब सब लोग आ गए, उसको सील कर दिया गया। ये भाजपा ने स्वीकार कर लिया कि ये हार चुके हैं, जनता ने इन्हें हरा दिया है। अब ये बेईमानी के दम पर, बेईमानी के बल पर जीतना चाहते हैं, पर हम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ ईवीएम रखी हुई है वहाँ तैनात है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। ऐसा कभी संभव नहीं है, इन्हें नहीं होने दिया जाएगा। लगभग 1459 बैलेट पेपर हैं, सरकारी कर्मचारियों वाले हैं वो बैलेट पेपर हैं। मोहर भी थी, सील करने का सामान था, लिफाफे भी थे, सब थे। नियम क्या है, ये कब कब खोले जाते हैं, कब आते हैं मंडी समिति? ये मंडी समिति में तो इनको पहले कल लाने चाहिए, जब कल खुलेंगे कल ही लाने चाहिए, और ला रहे थे तो हमारे जो यहाँ पे मत बुक हमारे जो एजेंट हैं उनको सूचना होनी चाहिए, डीएम साहब को सूचना होनी चाहिए, किसी को अधिकारी को सूचना ही नहीं है। तहसीलदार गुपचुप तरीके से ये ले जाकर अंदर रखना चाह रहे थे, उसमें ये होता कि इसमें मोहर भी थी। अब खाली बचे बता रहे हैं बचे हुए तो फिर मोहर क्यों है उसमें, खाली बैलेट पेपर और ट्रेजरी में ले जाकर रख लेनी चाहिए, यहाँ लाने से इनका क्या मतलब है? अभी तीन दिन पहले डीएम साहब ने एक प्रेस वार्ता में बताया था कि हम बहुत अच्छी तरीके से चुनाव कराना संपन्न कराना चाह रहे हैं, मतगणना कराना चाह रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं आप जैसे हालात हैं आपके सामने सील हुई है। पूरा नाम बता दो, विकास कुमार।
कुछ भी है हम तो सील कराना चाह रहे हैं। कपड़े हैं कपड़े हैं बहुत हमारे पास हमारा कपड़ा हटो भैया भैया हेलो हेलो नौमान भाई इसकी बनाओ ना वीडियो फेंक दे फोन अरे सुई हेल्प अरे रुक जा भाई मार के साथ फोन पे कर लो इसे कर लो इसका जवाब तो ले हुए आया थे करो करो इसे पे से तहसीलदार से बात हो गया बात क्या हुई तो बुला ये तो अंदर निकला अंदर भाई साहब दोबारा लाए हैं दया कर दे इसको जवाब दो बाहर निकल गया बाहर निकल गया एक तो ये तो अंदर से लाए निकल के एक बाहर वाला निकल गया तो उन्होंने तो स्टोरी में से बाहर निकला ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधे सीधे अपना तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं। तहसीलदार साहब 1400 सब कुछ बैलेट पेपर लेकर बगैर किसी परमिशन के सीलिंग लेकर हाथ में गुल्ला के लेकर जो है मेन गेट पे आ गए।
वो तो हमारी पूरी टीम ने मुस्तैद होकर पकड़ लिया इन लोगों को। तो क्या मतलब है जब रोज़ के रोज डिटेल हम पे आ रही है, जो मतपत्र इशू हो गए वो मतपत्र इशू होने के बाद लोगों पे चले गए, वो अपने वोट कर 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 भेज रहे हैं, कल सुबह 8 बजे तक वो सारे के सारे बैलेट पेपर आ जाएंगे। तो जिसको इशू हो रहा था वो तो इशू हो गया। 1400 से ज़्यादा मतपत्र लेकर, उसके अंदर सीलिंग का सामान लेकर, 3-3 गुल्लक लेकर, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर अंदर तहसीलदार साहब तानाशाही रवैया अख्तियार कर उन उस को प्रभावित करने के लिए, और इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा। सारे साथ बेलारी के तहसीलदार मिस्टर धर्मेंद्र सिंह, मुझे तो नहीं तहसीलदारी काफ़ी है, नाम तो नहीं पता मुझे क्या है, हमने ऐसा नाम भी आप सोच लीजिए जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहता हो। बिलारी विधानसभा का पूरा मामला है, बिलारी के तहसीलदार साहब का पूरा मामला है, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, जहाँ पूरी फोर्स खड़ी है उस फोर्स को चैलेंज करने के लिए तहसीलदार साहब ने यहाँ बार बार गाड़ी अंदर ले जाने की कोशिश की, वो तो हमारी समाजवादी की टीम यहाँ मुस्तैद खड़ी थी और वो इस टीम की वजह से हमारा जो है ये मामला रुक गया। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करने की साजिशें हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने अभी सारा सील करा दिया है, FIR के लिए कॉपी दे दी है, उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी, इसकी जाँच कराई जाएगी, किसी कीमत पर भी जनता के खिलाफ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। समाजवादी लोग पूरी तरीके से संविधान के दायरे में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं, हमने DM साहब को, पर्यवेक्षक को और तमाम लोगों को अवगत करा दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया है। ये मामला बहुत संगीन है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ खिलवाड़ है, पूरा साक्ष्य आपके सामने मौजूद है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।